ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 3 अप्रैल 96। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। सेवाओं के साथ साथ वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप निराकार परमात्मा शिव बाबा अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? तो कितने तख्त हैं? मैं आत्मा तख्त पर, मैं आत्मा बाबा के दिल तख्त पर, और भविष्य में सत्युग में विश्व राज्य तख्त पर। तो बाबा ने कहा, बाबा चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाबा के दिल पर दिल तख्त नशीन बच्चों को देख रहे हैं। निराकार बाप का अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। हम परमात्मा को देख खुश होते हैं, परमात्मा बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई, कोई में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है या आपको? हर एक बच्चा चाहे पुरुषार्थ में लास्ट नंबर है, लेकिन विशेष कोटों में कोई, कोई में कोई की लिस्ट में है। कोटों में कोई अर्थात इस सृष्टि की करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से कोई निराकार परमात्मा को पहचान कर, मान कर, फिर उनकी शिक्षाओं और श्रीमत पर चलते हैं, तो कोटों में कोई, कोई में कोई के लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है या आपको? तो सबने कहा, दोनों को। तो बाबा ने कहा, बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको तो सिर्फ डबल खुशी। हाँ, हमें डबल खुशी किसके लिए? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा को देखकर हमें डबल खुशी। लेकिन बाबा को तो कितने बच्चे हैं, तो बाबा को कितनी खुशी? आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है। और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है? तो बाबा कहते, अगर आपको बाप दादा को देख खुशी होती है, तो फिर वो खुशी सदा काल की होनी चाहिए, नीचे ऊपर नहीं। बाप दादा समझाते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। परमात्मा की पहचान मिली
परमात्मा से ज्ञान मिला, हर संकल्प कैसे करना है वो भी सीखा, बोल कर्म सीखा, सर्व शक्तियां गुण की पहचान मिली और अपने में इमर्ज किया, भगवान स्वयं अपना बन गया। जब इतना सब कुछ हो गया तो बाबा ने कहा फिर कौन सी बात आएगी जिसमें खुशी गुम हो सकती है। तो ये ईश्वरीय जन्म, ब्राह्मण जन्म, इसकी श्वास ही खुशी है। श्वास अर्थात जो निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, श्वास ही खुशी है। श्वास नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं, खुशी तो खुशी है, खुशी परसेंटेज की नहीं हो सकती है। कभी कभी हम कहते हैं ना 80% खुशी है, 50% खुशी है, लेकिन 50% है मतलब 50% परेशानी है, दुख है, तो खुशी तो नहीं है। तो बाबा ने कहा खुशी तो खुशी है, अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं, खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना, जैसे कभी ब्रीदिंग बहुत नॉर्मल है, कभी बहुत तेज हो जाती है, तो वो तो डिस्कम्फर्ट है, मतलब कुछ ठीक नहीं है। तो बाबा कहते हैं आज 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, तो ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है, सदा अंडरलाइन है। कौन सी चीज अंडरलाइन है? शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो शरीर चला जाए तो खुशी नहीं जाए, तो फिर जीवन में रहते हुए अगर कुछ भी चीज चली जाए, कुछ भी चीज, तो खुशी नहीं जानी चाहिए। चाहे वो स्थूल है, चाहे वो नाम मान शान है, चाहे वो कोई पदार्थ है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, रिश्ता है, कुछ भी चला जाए या कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो। बाबा ने कहा अंडरलाइन कर लो, शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या कहेंगे? सदा, अगर हम सदा की लाइन में नहीं हैं, तो हम कौन सी लिस्ट में हैं? कभी कभी खुश। कभी कभी वाले क्या कहेंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर हैं, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर हैं। सदा खुशी अर्थात आत्मा की स्थिति एक रस, अर्थात आत्मा प्रसन्न चित, पिछली बार की मुरली प्रसन्न चित संतुष्टता है, और संतुष्टता अर्थात आत्मा भरपूर है, हलचल नहीं है। तो सदा खुशी में रहने वाली आत्मा पास विद ऑनर होगी, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी, अर्थात जिस आत्मा ने अपने पुराने स्वभाव संस्कार खत्म नहीं किए हैं, तो उनको अंतिम समय कुछ ना कुछ भोगना तो होगी ही। सजा खुद मैं आत्मा खुद को देती हूँ जब मुझे उन पुराने संस्कारों की वजह से कष्ट होता है, परेशानी होती है, दुख होती है। बाबा ने कहा कभी कभी वालों को
धर्मराजपुरी क्रॉस करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। कहाँ जाएंगे? सृष्टि परिवर्तन का समय आएगा, आत्माओं को पहले घर जाना है। सब आत्माओं को घर जाना है, परम धाम जाना है और फिर इस सृष्टि पर आना है। लेकिन वो शरीर छोड़कर परम धाम जाना जो है, वो सहज जाना है, भगवान के साथ जाना है, सहज जाना है या धर्मराजपुरी क्रॉस करके जाना है। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? तो सबने कहा साथ चलने वाले। तो बाबा ने कहा ऐसा चार्ट है, अंडरलाइन। आज पूरे दिन में चार्ट चेक करें। मेरी खुशी सदा रहती है, मैं आत्मा प्रसन्न चित हूँ, संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ। बाबा कहते हैं ऐसा चार्ट है क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है वो तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। अब अटेंशन चेकिंग, पास विद ऑनर बनना है, बाबा के साथ सहज परम धाम जाना है, धर्मराजपुरी क्रॉस नहीं करना है। तो ऐसी आत्मा जो शरीर भी छोड़ रही है तो खुशी से छोड़ रही है, तो ऐसी आत्मा को क्या चेकिंग करनी है? बाबा ने सब बच्चों का चार्ट देखा, उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। इसमें पास है कि सेवा का बहुत उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? 96 की मुरली है, अब 2024 शुरू होने वाला है। तो बाबा ने कहा समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? तो किसी ने कहा वैराग्य की। तो बाबा ने कहा कौन सा वैराग्य, हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, बाबा ने कहा उसमें सब पास है कि सेवा का उमंग उत्साह है उसमें सब पास है, लेकिन जितना सेवा का उमंग उत्साह है उसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? बेहद का वैराग्य अर्थात कंप्लीट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट अर्थात मैं आत्मा इस दुनिया की हर चीज से, शरीर से भी,
डिटैच्ड, डिटैच्ड अर्थात इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी चीज, शरीर का रोग भी मुझ आत्मा की स्थिति पर प्रभाव नहीं डालता। मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली, तो जितनी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, हमारे ऊपर बाहर की बातों का असर कम होने लगता है। पहले हम छोटी सी बात में डिस्टर्ब हो जाते थे, अब हम थोड़ी बड़ी बात में डिस्टर्ब होते, धीरे धीरे और बड़ी बात, ऐसे करते करते आत्मा की शक्ति, जैसे शरीर की शक्ति बढ़ती है, ऐसे आत्मा की शक्ति भी बढ़ने के साइंस है कि मुझ पर किसी भी परिस्थिति का, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आत्मा एक रस, जो बाबा ने पिछली बार की मुरली में कहा, प्रश्नचित होना ये भी प्रसन्नता को गवाना है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे कर सकते हैं, अब आगे क्या होगा, होगा या नहीं होगा, तो बाबा ने कहा सफलता निश्चित है, निश्चय बुद्धि आत्मा। तो ये डिटैचमेंट है, तो जितना डिटैच्ड होते जाएंगे अर्थात आत्मा पावरफुल हो रही है, तो बाबा ने कहा समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य, बेहद अर्थात अनलिमिटेड, कोई भी चीज का प्रभाव नहीं, क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी। अनेक आत्माओं को हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी तैयार करना है, वो भगवान को पहचान ले, तो जल्दी से जल्दी अनेकों को तैयार हो जाएं, और इसीलिए तो सेवा करते हो। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती, और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वो मिल नहीं सकता। बहुत डीप है, इसको अंडरलाइन करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, जितना आप अपनी स्थिति को ऊंचा उठाएंगे, उतना सेवा होती जाएगी। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती, और जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वो नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टेंसेस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर वन हो गया और आप नंबर दो हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति ने या समय ने वैराग्य दिलाया। परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग्य भी पास हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, बेहद का वैराग्य या हद का वैराग्य। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं, जैसे जब कोविड था, तो बहुतों के अंदर बहुत वैराग्य आ गया था, कहते कैसी दुनिया है, अचानक कुछ भी हो सकता है, हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाना चाहिए, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, कुछ भरोसा नहीं है, अचानक ये सब समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार दुनिया में भी वैराग्य था। और कई लोग उस समय कहते थे कि कोविड सबको बदल देगा, सबकी सोच को बदल देगा, लेकिन जैसे ही समय और परिस्थितियां ठीक हो गई, मेजोरिटी लोग अपने पुराने संस्कारों पर फिर चले गए। और बहुत लोग कहते हैं कि सोचा था कोविड से तो लोग बदल जाएंगे, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, हद का वैराग्य, कुछ समय का, परिस्थिति के अनुसार या समय के अनुसार। लेकिन हम बाबा के बच्चों का वैराग्य परिस्थिति और समय नहीं, ज्ञान के
आधार से है, समझ से है। तो समझ से जो वैराग्य है वो परिस्थिति और समय पर निर्भर नहीं। तो बाबा कहते हैं तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। वैराग्य खंडित अर्थात कोई ना कोई इच्छा। पिछली बार की मूर्ति भावने का इच्छा अगर है तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता उसके अंदर। इच्छा है तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता उसमें। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। देह भान अर्थात मैं शरीर हूं, फिर मैं रिश्ता हूं, मैं रोल हूं, मैं पोजीशन हूं, ये मैं सेवाधारी हूं, ये सब देह भान है। तो ये देह भान में उस शरीर के अनुसार, रिश्ते के अनुसार, सेवा के अनुसार, रोल के अनुसार हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लेकिन मैं आत्मा हूं, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए होता है। आत्मा डिटैच्ड है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं वैराग्य खंडित जब होता है उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना, क्या आजकल रिश्तों में तो कुछ नहीं मिलता, कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे रिश्तों से क्या हो रहे हैं, डिटैच्ड हो रहे हैं। लेकिन वो डिटैचमेंट ज्ञान के आधार से नहीं है, तो वो रिश्तों से दूर हो जाते हैं। बाबा हमें क्या सिखाते हैं, सबके बीच रहकर, सबकी सेवा करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, स्थिति में डिटैच्ड, स्थिति में डिटैच्ड। तो बाबा ने कहा संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूप को तो जानते हो ना, कितने देह भान के रूप हैं उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना। वैराग्य अर्थात इस दुनिया से कोई लगाव नहीं, इस दुनिया से कोई इच्छा नहीं, और इस दुनिया की किसी भी बात पर मेरे मन की स्थिति निर्भर नहीं, डिपेंडेंसी नहीं। तो अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना। देह भान देही अभिमान में बदल जाए, बॉडी कॉन्शियसनेस की जगह सोल कॉन्शियसनेस हो जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए। आत्माभिमानी स्थिति, देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो देह का संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, तो मूल आधार देह भान है, मूल आधार, अंडरलाइन। इसीलिए बाबा हमें सबसे पहला लेसन क्या देते हैं, मैं आत्मा हूं। और इस जीवन का पुरुषार्थ क्या है कि बाबा की शिक्षाओं पर चलते हुए, बाबा से योग लगाते हुए, उस बीज रूप स्थिति में, परम धाम में, बाबा के समीप, बाबा के समान बनकर बैठने से हम देह अभिमान से
देही अभिमानी बनते जाते हैं। तो भावनी का पहला शब्द ही देह है, चाहे देह के संबंध पदार्थ, तो देह के पदार्थ हैं, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार है उससे वैराग्य नहीं है। संस्कार तो आत्मा के होते हैं, लेकिन बाबा क्यों कह रहे हैं देह के जो पुराने संस्कार अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से जो बने संस्कार, जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, अगर मुझे ये याद रहे तो हर परिस्थिति में शांत रहेंगे, लेकिन अगर मुझे ये याद नहीं रहा तो मैंने कहा मैं ये हूं, इनको मेरा कहना मानना चाहिए, मैंने इनको समझाया, इन्होंने किया नहीं और मैं गुस्सा कर दिया, तो गुस्से का संस्कार बना। लेकिन वो गुस्से का संस्कार किस वजह से बना? बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से। तो बाबने का मुख्य विघन का जो कारण है वो है देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं, संस्कार उस ऊंची स्थिति से हमें नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। देह के पुराने संस्कार, अंडरलाइन, संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य हो नहीं सकता। तो चेक करो, मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं, अंडरलाइन, इसकी लिस्ट बनाए, मेरे कौन से पुराने व्यर्थ संस्कार अभी तक इमर्ज होकर कर्म में आते हैं। चेक करो कि अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी न किसी रूप में ऐसा प्रबल है जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, अंडरलाइन, आज लिस्ट बनानी है किन किन बातों से वैराग्य। पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, क्योंकि वो क्या करता है, हमें अपनी तरफ खींचता है। मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ कि मुझे आज सारा दिन शांत रहना है, लेकिन फिर परेशान का संस्कार, गुस्से का संस्कार फिर इमर्ज हुआ, अर्थात मैं आत्मा उस पुराने संस्कार के परवश हो गई, खींच लिया उसने मुझे। संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। संस्कार भस्म कैसे होंगे? योग की स्थिति में, मैंने कहा सूक्ष्म में। हम तो ऊपर ऊपर से डिसाइड करते हैं आज मुझे गुस्सा नहीं करना, वो नहीं खत्म होता है। क्योंकि क्योंकि वो है, मुझे आत्मा का संस्कार है। कोई डिसाइड करता है आज से मुझे चिंता नहीं करनी, फिर चिंता हो जाती है। कोई डिसाइड करता है आज से मेरे को किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, फिर लग जाती है, क्योंकि वो संस्कार आत्मा के पास है, उसको भस्म करना है। कहां ना कहां अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं,
वो समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं, चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करे, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है, देहभान या देही अभिमान? आत्माभिमान की स्थिति में हम कभी नहीं कहेंगे हो जाता है, हो गया, क्या करे, क्योंकि उस समय मैं आत्मा मालिक हूँ, मैंने चूज किया, मैंने किया, ये मेरी स्थिति है। लेकिन देहभान की भाषा है, क्या करे, हो गया, हो जाता है। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा खत्म नहीं किया है, और जहां अंश है तो वहां वंश तो होगा ही। किसी भी संस्कार का अंश है तो वहां वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, थोड़ा है लेकिन समय प्रमाण, अर्थात कोई परिस्थिति आई तो वो अंश वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल हैं या नॉलेजफुल हैं, क्या है, नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे, हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेज फुल हुए या नॉलेज फुल हुए, नॉलेज अर्थात नॉलेज को खींचने वाले, जो नॉलेज फुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ बार नहीं कर सकता। नॉलेज फुल अर्थात नॉलेज में भरपूर, नॉलेज इमर्ज्ड है, ज्ञान इमर्ज्ड है, और ज्ञान संकल्प बोल और कर्म में आता है। लेकिन गलती हो रही है, दिख रही है, और ज्ञान को खींचना पड़ता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे तो शांत रहना है, नहीं, मुझे परेशान नहीं होना, ड्रामा की हर सीन तो कल्याणकारी है। तो नॉलेज स्वरूप नहीं हो, नॉलेज को खींचने की, वापस लाने की कोशिश कर रही हो। तो बाबा ने कहा, नॉलेज फुल के बजाय नॉलेज पुल बन जाते हैं। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे, हाँ समझती तो हूँ, समझता तो हूँ, लेकिन होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेज पुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले, जो नॉलेज फुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। आज बाबा बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं कि जितने उमंग से हम सेवा करते हैं उससे भी ज्यादा उमंग से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा ने कहा, उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है, कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? समय हमारी रचना है। तो बाबा ने कहा, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है?
तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हैं, समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है। टीचर क्वेश्चन करता है, कहता है मुझे भी दिलासे देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है। नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो, तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। समय हमारा शिक्षक बने, ये हमारी शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है, उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। डबल अंडरलाइन। हमारे जीवन का लक्ष्य बेहद की वैराग्य वृत्ति, आत्म अभिमानी स्थिति। तो बाबा ने कहा सेवा की खींचतान में, खींचतान वर्ड को अंडरलाइन करें, सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य भी सेवा में ही खत्म होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। दुनिया से इच्छाएं खत्म होती हैं, लोगों से इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन सेवा में आते हैं और अगर अटेंशन नहीं रखते हैं तो सेवा में इच्छाएं आ जाती हैं। जो बाबा ने पिछली बार की मुरली में कहा, फिर हम रॉयल शब्दों में क्या कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं है बट सेवा के लिए होगा तो अच्छा होगा। तो बाबा ने कहा जहां सूक्ष्म में भी इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सेवा में खुशी आती है, शक्ति आती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई इच्छा, फिर एक से दूसरी इच्छा, फिर उसमें खींचतान, फिर उसमें कंपैरिजन, फिर उसमें ईर्ष्या, फिर उसमें चिंता, फिर उसमें रेस, ये सारी चीजें। तो एक अंश इच्छा का, पुराने संस्कारों का वंश ले आता है सेवा के अंदर। इसको डबल अंडरलाइन करना है। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे, आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, मुझ आत्मा को, इस सृष्टि से कुछ नहीं चाहिए, मुझ आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। इच्छाएं खत्म, जैसे जैसे इच्छाएं खत्म होती जाएंगी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मा स्थिर और अचल रहेगी और आत्मा भरपूर होती जाएगी। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, साधन और साधना का बैलेंस, साधन
साधना अर्थात हमारे जीवन की ये साधना है, आत्म अभिमानी स्थिति, वैराग्य वृत्ति की स्थिति, ये हमारी साधना है। साधन होंगे लेकिन साधना में वही स्थिति रहेगी, साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति तम नहीं हो। आगे चलकर तो वो समय तो आ चुका है जहां सत्कार मिलता है, वाहवाही मिलती है, साधन मिलते हैं, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो, अंडरलाइन। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो या सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे, बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। जितना वैराग्य वृत्ति आती जाएगी, आत्मा की स्थिति क्या होती जा रही है, ऊपर होती जा रही है, और जितना आत्मा की स्थिति ऊपर होती जाएगी उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? कराची में जब थे, बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया, अंडरलाइन। बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं, उन्होंने आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं, आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं, अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की, अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। सेवा का आधार बेहद की वैराग्य वृत्ति, आदि रत्नों के बेहद की वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की, अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है, साधन ही नहीं है, और कहो हमको तो वैराग्य है तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य हो, अर्थात साधन है, उसको यूज कर रहे हैं लेकिन उसकी इच्छा नहीं है और उस पे डिपेंडेंसी, निर्भरता नहीं है। साधन हो और वैराग्य हो, पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं, साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। साधना अर्थात स्थिति, साधना अर्थात वाइब्रेशन, साधना अर्थात वायुमंडल, साधना अर्थात बाबा की शक्तियों का प्रभाव उस आत्मा पर। बाबा ने कहा अभी साधना नहीं, अभी साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। साधन अर्थात हम सेवा में भी बाह्य चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, इससे सेवा होगी, इससे सेवा होगी, ये आएंगे तो सेवा होगी, वो करेंगे तो सेवा होगी, इतना ज्यादा डेकोरेट करेंगे, ये करेंगे उससे सेवा होगी, करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा सेवा उससे नहीं हो सकती है, वो तो हम सिर्फ कर सकते हैं सजावट, लेकिन सेवा किससे होगी? सेवा
साधना से होगी, साधन से नहीं। साधन तो दुनिया में भरपूर है, साधन का क्या प्रभाव पड़ सकता है एक ऐसी दुनिया पर जहां साधन भरपूर है हर एक के पास, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है, तो उस साधना का प्रभाव सब पर पड़ेगा। बाबा से कनेक्शन जुड़ा नहीं है भगवान से, तो भगवान की शक्तियों का प्रभाव उस आत्मा पर पड़े। बाबा ने कहा इस समय साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए, जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए भी कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है। इतने वर्षों में इतनी सेवा की, तपस्या की, भगवान का परिवार या लौकिक परिवार बढ़ता गया तो भरपूर साधन आते गए। तो बाबा ने कहा साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है। ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते हो। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए न्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रहा है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वो वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। डबल अंडरलाइन। अभी विश्व अति में जा रहा है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वो वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे, लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देशी घी खाओ जितना खा सकते हो, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे, घी की नदियां देखी। अर्थात बाबा शुरू के समय की बात बता रहे हैं, जब शुरू के 350 भाई बहनों ने तपस्या की, 14 वर्ष की भट्टी में रहे, लेकिन उस समय भरपूरता बाहर भी थी। बाबा ने अपना सारा धन ट्रस्ट बनाकर यज्ञ को समर्पित कर दिया था, जिससे उन सभी भाई बहनों की पालना होती थी। तो बाबा कहते दुनिया तो देसी घी खाती है, आप तो पीते थे, घी की नदियां देखी हैं। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है, आपस में इकट्ठे हुए हो तो रू रिहान करना, जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे इसकी मीटिंग करो। जो बाप दादा कहते हैं चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में हो नहीं सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो 1 सेकंड में अशरीरी होना है, तो बाबा ने कहा जितना वैराग्य वृत्ति होगी उतना 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे, नहीं तो युद्ध में ही चले जाएंगे। युद्ध मतलब
यहाँ दूसरे दूसरे संकल्प चलते जाएंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। तो क्या करना है, सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा समझा, क्या करना है, सहज है या मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगा या नहीं, साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, अभी अभ्यास चाहिए, अभ्यास, जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहिए वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके, जब चाहो, जहां चाहे, जैसा चाहिए वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए, ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके, जब चाहे जैसे चाहे, विल पावर चाहिए, सेवा में आए सेवा से न्यारे हो जाए, लेकिन न्यारे हो जाए ऐसा नहीं हमको सेवा खींचे, अर्थात सेवा में आए सेवा पूरी हुई न्यारे हो जाए, लेकिन यहाँ सेवा चलती रहती है, थॉट्स वही आते रहते हैं, उसी बारे में सोच चल रही है, और क्या करना है, ऐसे कैसे करना है। तो मैंने कहा सेवा खींचे नहीं, एक सेकेंड में अशरीरी हो सके, जब चाहे जैसे चाहे, विल पावर चाहिए, विल पावर चाहिए, विल पावर है स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, शक्ति इतनी हो कि मन के संकल्पों को स्टॉप करना है तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगना है उन संकल्पों को, फुल स्टॉप लगना है, जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सके, चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे, विल पावर है कि पावर है, संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए, अंडरलाइन, ये अभ्यास है, संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं लेकिन योग की बजाय युद्ध में होते हैं, योगी नहीं होते हैं, योद्धे होते हैं, और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बन जाएंगे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, सोचा और हुआ। हम योग में बैठते हैं लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं, योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं, और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल के रहे तो क्या होंगे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है, इसलिए बाबा ने कहा फुल स्टॉप अर्थात फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप, सोचा और हुआ, सोचा और हुआ, प्रैक्टिस करनी है, सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5, ऐसे तो नहीं होता, सोचते बहुत अच्छा हो ये करेंगे ये होगा ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है, अंडरलाइन करेंगे इसको कि एक सेकंड में अशरीरी योग में बैठे हैं तो युद्ध नहीं, वो कैसे होगा जब सारा दिन चलते फिरते अभ्यास करेंगे कि सोचा और हुआ, फुल स्टॉप, सेवा खींचे नहीं, सेवा की सेवा से न्यारे हो गए,
संकल्पों में सेवा खींचे नहीं, अर्थात माइंड बार बार उस तरफ जाए नहीं, सोचा और हुआ। अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है ऐसे अनुभव हो। संकल्प किया कि मुझे आज से ऐसे करना है, संकल्प किया मुझे 1 सेकंड में स्थिति को अनुभव करना है, संकल्प किया और प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब आप से रूरिहान करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये करेंगे ये करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होती है? बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता है, वाह मेरे बच्चे। कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे, खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेले बैठते हैं, रूरिहान करते हैं, बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं कि बाबा करना ही है हमने, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, तो खुश हो जाते हैं। फिर बाबा ने हॉल में पीछे बैठने वालों से कहा, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हैं ना, आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो, क्यों? दूसरों को चांस देना ये सेवा की है ना, तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होती ना तो जरा सा, कई बार कहते ना हम भी दादियां होती तो हम आगे बैठते, लेकिन सामने तो क्या, आप तो दिल पर हो। भगवान के लिए आगे या पीछे नहीं, स्थिति स्थिति इंपॉर्टेंट है। तो बाबा ने कहा आगे पीछे नहीं, आप भगवान के दिल पर हो, अर्थात वैसी स्थिति। और दिल भी साधारण दिल नहीं है, तख्त है, तो दिल तख्त नशीन है ना, कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो, बाबा के दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो
तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। भगवान भोलानाथ वरदाता रूप है, सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। एक व्रता संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। यहां कोई और नहीं बैठे, वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, जो उस तरह से जीवन जिएगा। बाबा ने कहा जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। आज का स्लोगन, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है, शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने योग अभ्यास में अनुभव करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा लाइट के शरीर में ब्रिकुटी के मध्य चमक रही हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं, जिससे मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो रहे हैं। साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन बनते जा रहे हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।